ओम शांति, ओम शांति। अगर सभी इधर इतने बैठे हो, सभी के मन में एक जैसे विचार चलते हैं, जो सुनाया अभी, आत्मा का ही चिंतन संगठित रूप में, और सभी का मन बुद्धि परम धाम तक जाती है, और कहते हो बाबा इस जगह को बिल्कुल शांत शीतल करो, तो बाबा का ही चिंतन करते हो आप, तो जो शक्ति मिलती है उसको कहते हैं शांति की शक्ति। अपने आप ये स्थान को आप शक्तिशाली बना सकते हो। स्थान को कैसे परिवर्तन करो, अशुद्ध वातावरण को कैसे शुद्ध करना है, लेकिन एक व्यक्ति की नहीं, एक अगरबत्ती जलाने से इतनी खुशबू फैलती नहीं है, हजारों अगरबत्ती जलाओ तो एकदम सुगंधित हो जाएगा जल का वातावरण। तो संगठित रूप में ऐसी एक जैसे विधि से तपस्या चाहिए, तो आप वातावरण को परिवर्तन कर सकते। तीसरा, अगर बाबा से कनेक्शन जोड़ करके दिखाई दे रहे बहन जी के मन में गलत विचार चल रहा है, आपको पता चल रहा है, देखते दृष्टि देखते ही इधर उधर देखते हैं, ठीक नहीं है, तो अगर आपकी बुद्धि जुड़ी हुई है शिव बाबा ये आपके बच्चे, इस आत्मा को शांति की शक्ति, इस आत्मा का कल्याण करो, तो देखते हुए जो आप संकल्प करते हो शिव बाबा को कनेक्शन जोड़कर, तो उसके विचार को आप परिवर्तन कर सकते हो। इसको कहा औरों की वृत्ति को परिवर्तन कर, लेकिन कभी विधि चाहिए, अपने आप नहीं है, आपकी दृष्टि के अंदर ऐसी शक्ति नहीं है, तो शक्ति वो कनेक्शन वहां चाहते हैं। तो बाबा को कहते मैं इनको ठीक करता नहीं, बाबा आप, बाबा को बोलने के लिए बाबा के साथ कनेक्शन चाहिए ना, तो कनेक्शन जोड़कर अगर संकल्प करते हो तो औरों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो। ये अभ्यास चाहिए, तब बाबा ने कहा साइलेंस के ऊपर ये साइलेंस शक्ति किसी को कुछ दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये अभ्यास हमारे में से कितने बाबा के बच्चे कौन कर सकता है, साइंटिस्ट कौन बन सकता है, अपने आप बनेंगे, संसार भी देख लो और ये भी देख लो, दोनों कर सकते हो, दोनों लड्डू खा सकते हो, नहीं, दोनों नहीं, उसमें भी समय चाहिए, थोड़ा समय उसमें, ज्यादा समय इसमें चाहिए।